हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस देखिए, आज मुझे चलिए आप सभी को अपना न्यू किचन दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है मेरा न्यू किचन। जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि मेरा पुराना किचन जहाँ मैं पहले खाना बनाती थी, वह किचन मिट्टी का था, जो बारिश के पानी से वह घर टूट गया है, जो अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है। इसलिए मैंने अपना किचन इधर शिफ्ट कर लिया है। आप लोग देख रहे हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और ये चूल्हा जो दो ड्रामों के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि गाइस मेरे घर में उतना जगह नहीं है क्योंकि मैं इतना सारा सामान को अच्छा से समेट के या सजा के रख पाऊँ। और इधर गाइस देखिए, मैंने चने बॉयल कर लिए हैं और अब मैं आलू बॉयल होने दे रही हूँ। तो गाइस आज मैं चने और आलू की सब्जी बनाऊँगी। आज घर में सब्जी भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि चने और आलू की सब्जी बना दूँगी। जब तक सब्जी बाजार से अब खरीद के नहीं लाएंगे, उतना देर तक तो मैं सब्जी बना ही लूँगी कुछ ना कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि आज चने और आलू की सब्जी बनाती हूँ और साथ में पूरी बनाऊंगी और रोटी भी, क्योंकि गाइस मेरे घर में सबको पूरी खाना पसंद नहीं है। कोई कोई है जो पूरी और रोटी दोनों साथ में खाते हैं, और है और मेरे ससुर जी जैसे कि पूरी नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी, और जिनको रोटी खाना है रोटी खाएंगे, जिनको पूरी खाना है पूरी खाएंगे। और गाइस देख रहे हैं कि मैं पूरियों को ज़मीन पर बैठ के बेल रही हूँ, क्योंकि गाइस जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है वहाँ पर उतना जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर रोटी या फिर पूरी बेल सकूँ। इसलिए गाइस मैं जब भी रोटी या पूरी बनाती हूँ तो इसी तरह ज़मीन पर बैठ के कुछ पूरियों को बेल लेती हूँ। सारा पूरी नहीं बेलती हूँ क्योंकि उससे सूख जाएगा तो फिर पूरी अच्छा से नहीं बनेगा। इसलिए मैं कुछ पूरियों को बेल लेती हूँ, फिर आटे को ढक के रख देती हूँ जब तक ये पूरियाँ मेरा छाना हुआ ना हो जाए। फिर तब तक मैं आटे को ढके हुए रखती हूँ। तो गैस आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पूरी तल रही हूँ। इस तरह गैस मुझे मतलब चूल्हा को बहुत ही बार चलाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, गैस बहुत ही बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो गैस देखिए, मैंने यहाँ पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पूरी बना रही हूँ। गैस आप लोग जब भी पूरी या रोटी बनाएं, आटा को 10-15 मिनट के पहले ही गूँथ के रख लें, और उसमें हल्का सा नमक डाल के गूँथे और उसको ढक के रख ले। इससे मतलब पूरी और रोटियां सॉफ्ट बनती है और एकदम फूली फूली बहुत अच्छी बनती है। देखिए गैस मेरा पूरी बनाया हो गया है, अब मैं रोटी बनाऊंगी। और देखिए रोटी के लिए मैंने अलग से आटा रख लिया है, और इधर मेरा आलू भी बॉयल हो चुका है। तो इधर आप लोग देख रहे हैं कि मेरे चने और आलू दोनों ही बॉयल होकर रेडी हो चुके हैं, और मैंने यहाँ इंडक्शन ऑफ कर दिए। और इधर देखिए मेरा रोटी भी बन के रेडी हो चुका है। तो गैस देखिए मेरा रोटी भी कितना सुंदर एकदम सॉफ्ट बना है। तो गैस देखिए, अब मैं यहाँ जो चने और आलू मैंने बॉयल किए थे उनको अब मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने चने को भी अच्छे पानी से धो लिए और आलू के छिलके को अब हटा लूँगी। गैस चने और आलू की सब्जी और पूरी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। गैस कभी आप लोग भी इस तरह का रेसिपी बना के खा के बताइए कि आप लोग को कैसा लगता है खाने में। गैस ये मतलब घर में जब सब्जी ना हो और इस तरह का घर में सामान हो तो आप लोग मतलब टेस्टी टेस्टी खाना बना सकते हैं, जिस तरह की मैंने आज जुगाड़ किया। तो गैस इस तरह से आप लोग भी इस तरह से टेस्टी टेस्टी खाना बनाएं और खाएं। तो गैस मेरे चैनल को जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और गैस मेरे वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। गैस आप लोग मेरे वीडियो को तो देखते हैं बट लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।